एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर्बल रेमेडीज। आज टमाटो को यूज़ करके मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी रेडी करने वाली हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे एक टमाटो सीरम, जिसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं, नाइट के समय और डे में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हम टमाटो के साथ और भी चीज़ें यूज़ करेंगे। टमाटो में विटामिन सी, विटामिन ए और लाइकोपिन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है, स्किन टोन को लाइट करता है। इसके साथ ही आपकी स्किन में जो फाइन लाइन रिंकल्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है, जो डार्क स्पॉट आ जाते हैं उन्हें रिड्यूस करता है, और साथ में आपके जो एक्ने या पिंपल के मार्क्स होते हैं उनको भी धीरे धीरे लाइट कर देता है। तो इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा टमाटो। टमाटो को आप ग्रेट कर सकते हैं या फिर ग्राइंडर में पीस लेंगे, इस तरह से इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको स्ट्रेनर यूज़ करके इसका जूस निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये टमाटो जूस निकाल लिया है, तो इसी जूस को यूज़ करके हम बनाने जा रहे हैं टमाटो सीरम। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 2 स्पून टमाटो जूस। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। विटामिन ई आपकी स्किन में जो भी फाइन लाइन रिंकल्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी 1/2 स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है और स्किन की ड्राइनेस को भी कम करता है। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पे हम लेंगे 1 स्पून। ग्लिसरीन में स्किन को मॉइस्चराइज करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो स्किन में ड्राई पैचेस हो जाते हैं या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उनके लिए ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ड्राइनेस को ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। लास्ट में इसमें मैं डालूँगी 2 स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये डार्क स्पॉट्स और जो भी हमारे स्किन पे मार्क्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है और एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है। इन सभी चीज़ों को अब आपको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे कि ये सब मिक्स होके एक कंसिस्टेंसी में आ जाए। यहाँ पे ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये देखिए। अब आपको इस सीरम को एक कंटेनर में स्टोर करके रखना है। आप इसे 7 से 8 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में 7 से 8 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इसको आप अपने क्लीन फेस पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसको इस तरह से लगाना है और 2 मिनट तक मसाज करके इसी तरह लगा के छोड़ देना है। इसको रेगुलर यूज़ करने से आप देखेंगे कि आपका जो अनइवन स्किन टोन है वो इवन होने लगेगा और आपकी जो स्किन है उसमें टाइटनेस आएगी। इसके साथ ही आपके जो मार्क्स हैं, पिंपल के मार्क्स या एक्ने का मार्क्स जो भी है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।